देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर कालाडूंगी से है। भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश के लोगों में गुस्सा है। चीन की इस कायराना हरकत के खिलाफ जिले में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और चीन से बदला लेने की मांग की जा रही है। वहीं घटना में शहीद सैनिकों को विभिन्न संगठनों व आम लोगों की ओर से श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। गुरुवार को वार्ड नंबर 6 में शहीद उधम सिंह नगर पार्क में व्यापारियों ने शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। व्यापारियों ने चीनी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और भारतीय सीमा में घुसकर जवानों पर हमला करने की घटना को निंदनीय बताया। रोष प्रकट करते हुए कहा, चीन की फौज ने भारतीय सीमा में घुसकर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि चीन को सबक सिखाने के लिए कड़ा कदम उठाया जाए। वहीं चीन की नापाक हरकत पर कड़ा जवाब देने की मांग की। आप देख रहे हैं कालाडूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। व्यापार मंडल कालाडूंगी द्वारा वो हमारे सारे व्यापारी मित्रगणों द्वारा यहाँ पे हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसी में कैंडल मार्च भी निकाला गया था और चाइना के जो भी सामान है, यूसी ब्राउजर, टिकटॉक और जो भी चीज़ जो भी हम लोगों से डिलीट हो सकता है, जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को डिलीट करें। जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में नहीं आता है उनको हम डिलीट करें, ऐसा व्यापारियों द्वारा कहा और हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम इन चीज़ों को डिलीट करेंगे और चाइना का पूर्ण तरह से बहिष्कार करेंगे। जवान जो शहीद हुए थे देश के लिए, आज हमने उनके बलिदान पर उधम सिंह पार्क पर कैंडल मार्च करा और हमने अपने व्यापारी भाइयों से ये आह्वान करा कि चीन का सामान का बहिष्कार करें और अपने छोटे बड़े भाइयों से ये कहा कि यूसी ब्राउजर, व्हाट्सएप, टिकटॉक आदि जितने भी हैं आपके मोबाइल में अनइंस्टॉल करें। धन्यवाद।